गाइस, वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसे चार माइथोलॉजिकल कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से भी हम दीपावली के पर्व को मनाते हैं। पहला कारण, इसी दिन महाभारत के पांडव अपने 13 वर्षों के वनवास के बाद अपने राज्य लौटे थे। दूसरा कारण, इसी दिन कार्तिक अमावस्या को राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था। तीसरा कारण, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। और चौथा कारण, इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने इस सृष्टि में अवतार लिया था। गाइज, क्या आप इसके अलावा कोई और माइथोलॉजिकल कारण जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ आप सभी को A2 फैमिली की तरफ से हैव अ सेफ एंड हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच। गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर UN की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में यह सब UN असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। गाइस, आपको UN असेंबली का डायनासोर दिखाकर जलवायु परिवर्तन पर ध्यान खींचने का यह आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। बॉलीवुड के बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी को देखते ही प्यार हो गया था, पर मजे की बात यह थी कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उनकी पत्नी उसी कंपनी के बॉस की बेटी थी। फिर भी परेश रावल डरे नहीं और उन्होंने ठान लिया कि शादी करूंगा तो इसी के साथ, और उन्होंने वही किया। गाइज, आपको परेश रावल की ये दीवानगी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड बेसले ने हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर एलोन मस्क अपनी संपत्ति का 2% भी UN को दान में दे दें तो दुनिया भर से भुखमरी को खत्म किया जा सकता है। और फिर क्या था, इस बयान के बाद एलोन मस्क ने भी इस बात का जवाब बड़े बेबाक अंदाज से दिया था। उन्होंने कहा कि अगर UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मुझे यह समझा सके कि वो कैसे दुनिया भर से भुखमरी की समस्या को खत्म करेंगे तो वो तुरंत टेस्ला कंपनी के $6 अरब के शेयर बेचने को तैयार हैं। गाइज, एलोन मस्क का ये बेबाक अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में। 100 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस का मार्क इंडिया में क्रॉस हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे हेल्थ वर्कर्स की वजह से। स्पेशल थैंक्स उन सभी ANM यानी कि ऑक्सिलरी नर्सेस को जिन्होंने गांव-गांव जाकर इस काम को अंजाम दिया। उन्हीं में से एक ANM है अनीता, जो कि अपने बच्चे को गोद में लेके कई किलोमीटर चल के गांव-गांव जाके लोगों को वैक्सीन लगा रही है। इन सभी हेल्थ वर्कर्स को दिल से सलाम है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।